गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं रिधि खोड़ावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मदर लाइफस्टाइल में। तो अभी देखिए दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आज का ब्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है बिकॉज आज है गणेश विसर्जन। हमारे पोरबंदर में 2 दिन गणेश विसर्जन डिसाइड किया है सब लोगों ने। एक है आज के दिन जो कि संडे है एंड दूसरा है वो ट्यूसडे को होने वाला है मंगलवार के दिन। थोड़े बहुत लोग 5 दिन को विसर्जन कर रहे हैं और थोड़े बहुत लोग हैं वो 7 दिन को विसर्जन करने वाले हैं। तो आज भी हमारे पोरबंदर में विसर्जन है गणपति बाप्पा का। तो अभी दोपहर के 3 बजे है और हम लोग हो गए हैं रेडी विसर्जन में जाने के लिए। मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ और हेमल भी यहाँ पे रेडी है। हाय हेमल, रेडी है ना आप? तो सडनली ही बाहर वेदर ने धमाका चेंज कर दिया है। सुबह बहुत ज्यादा धूप थी और सडनली ही देखिए अभी बाहर का वेदर दिखाती हूँ। देखिए हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। जब भी गणेश विसर्जन होता है ना तब ऐसा ही होता है। गणपति बापा का जाने का विसर्जन का टाइम होता है ना तो बारिश आती ही है। हर साल हमारे पोरबंदर में ये होता ही है। क्यों हेमल? बारिश बाहर स्टार्ट भी हो गई है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। सुबह बहुत ज्यादा धूप थी, 2 बजे तक धूप थी। 1 घंटे में ना मौसम ने अपना रंग ही बदल लिया। अभी गणेश विसर्जन के लिए सब लोग निकलने रहे हैं। बहुत सारे पंडाल में ढोल बज रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग निकलेंगे हेमल और बारिश स्टार्ट हो गई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा बिकॉज मुझे इवेंट में जाना है। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ओके ओके चलेगा। वैसे हाँ, मैंने लड़के को रखा हुआ है। हाँ लड़के को रखा है ना वहाँ पे। तो हेमल तो वहाँ पे जाने वाले हैं और उसके बाद वापस से हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हेमल अभी मुझे ड्रॉप करने आने वाले हैं। जहाँ से गणपति पापा निकलेंगे वहाँ से मैं आप लोगों को दर्शन करवाने वाली हूँ। और अमन भी हमारे साथ आ रहा है। तो अमन भी अभी ना घर से निकल गया है। मम्मी के घर से वो आ रहा था, नानी माँ के घर पे नहीं है तो वो भी वहाँ से निकल गया है। तो फिलहाल अमन को भी उठाते हैं रास्ते में से। क्यों हेमल? अमन को लेने जाना पड़ेगा ना। अमन को उठाते हैं और चलते हैं जहाँ पे सीधा गणेश विसर्जन होने वाला है वहाँ पे। और आप लोगों को बहुत सारे गणपति बापा के दर्शन करवाऊंगी आप। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग घर से। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ और छाता लेके जाना पड़ेगा बिकॉज बाहर हो रही है बारिश। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं और आज ना देखिए पूरी शॉप बंद है बिकॉज आज संडे है। इसीलिए देखिए सब कुछ बंद है यहाँ पे। आज गणेश विसर्जन भी है, संडे के दिन गणेश विसर्जन है तो सबको फायदा हो गया। क्यों हेमल? सब बंद नहीं रखनी पड़ेगी ना। और पूरा मार्केट खाली खाली है। और अभी हम लोग अमन को लेने के लिए जा रहे हैं। अमन यहाँ पे आ गया है मार्केट में। तो हम वहाँ से अमन को उठाएंगे और फिर जाएंगे। तो हम लोग अमन को लेने आ गए हैं। देखिए अमन बाइक लेके आया है रेड कलर की। क्यों अमन बाइक पे आए हैं? तो चलिए फाइनली चलते हैं। अब हम लोग अमन को यहाँ से ले लिया है। फ्रेंड के साथ आए अमन, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आया था। अब हमारे साथ आ रहा है गणपति विसर्जन में। तो चलिए चलते हैं फटाफट से गणपति विसर्जन। बहुत लेट हो गया है। चलिए हेमल को भी जाना है। सो गाइस अभी देखिए इस वाले रास्ते पे कोई नहीं है। बट अभी 1 घंटे में ना यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतना पब्लिक आ जाएगा। अभी तो सब लोग तैयारियां कर रहे हैं गणपति बापा विसर्जन की। तो अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। पर अभी थोड़े ही टाइम में आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो देखना आप लोग। आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंच।
आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिकन। देखिए गाइस पूरे रास्ते पे गलाल गलाल हो गए हैं और देखिए यहीं से गणपति बापा सारे के सारे निकले थे। आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिकन। पहुंच गए हैं जहाँ पे गणेश विसर्जन होता है और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ही क्राउड है। देखिए अभी तो बहुत ज्यादा दूर है हम लोग, फिर भी देखिए कितना पब्लिक है। सब लोग वहाँ से आ रहे हैं गणपति बापा और वहाँ पे नीचे जा रहे हैं गणपति विसर्जन में। देखिए कितना क्राउड है गाइस, वहाँ से सब लोग गणपति बापा जा रहे हैं और हम देखिए नए रास्ते से जा रहे हैं। ये नया रास्ता बनाया गया है, देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से सीधा वहाँ पे जा सकते हैं। और ये चौपाटी इलाका नहीं है, चौपाटी तो दूसरी साइड है। इस एरिया को ना अस्मावती घाट कहते हैं। यहाँ पे महादेव का टेंपल है और यहाँ पे ना घाट बोला जाता है अस्मावती घाट। जैसे गंगा घाट होता है वैसे हमारे पोरबंदर में ये अस्मावती घाट है, इसीलिए गणेश विसर्जन यहीं पे होते हैं। वहाँ पे गणपति बापा विसर्जन हो रहे हैं और वहाँ पे उसी तरह से एक एक करके वो जो छोटी सी बोट है उसमें ले जा रहे हैं और वहाँ पे गणपति बापा का विसर्जन हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। देखिए I'm not afraid।
देखिए गाइस, यहाँ से गणपति बापा लेके जाएंगे, फिर वहाँ रख देंगे और वहाँ से वो जो बोट वाले है ना वो लेके जाएंगे और फिर विसर्जन वहाँ पे समुद्र में करते हैं। देखिए ये सब लोग है ना वो वहाँ पे गणपति बापा को रख देंगे अभी और फिर वो बोट वाले लेके जाएंगे। गाइस देखिए, अभी शाम होते होते रात होने वाली है और देखिए अभी भी गणेश विसर्जन करने सब लोग आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्राउड है। देखिए अभी वहाँ पे गणपति बापा विसर्जन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे छोटे से गणपति बापा है, कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए। सो गाइस अभी देखिए रात हो गई है और अभी भी गणेश विसर्जन यहाँ पे स्टार्ट ही है और देखिए हम लोग यहाँ पे किसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं। देखिए चने का एंजॉयमेंट ले रहे हैं अभी हम लोग और अभी बहुत सारे गणपति बापा बाकी है विसर्जन के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं दिखेगा। देखिए कुछ नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग भी जाते हैं यहाँ से घर पे, क्यों अमन जाना है ना घर पे, अमन जाना है घर पे, रुकना है। क्या खा रहा है अमन? देखिए खा रहा है चने, भूख लगी है अमन को बहुत ज्यादा। हे सुख करता तू दुख हरता बप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बप्पा विनायका, सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बप्पा विनायका, महाद्वारया नगरी सा तू राजा विनायका। अभी गणेश विसर्जन में आए हो और यहाँ पे मुझे मेरा सब्सक्राइबर मिलना आए हैं, छोटा सा है बच्चा, देखिए यहाँ पे है। देखिए वहाँ पे विसर्जन हो रहे हैं, नहीं दिखेगा आई थिंक आप लोगों को। और देखिए वहाँ पे पूरी लाइट्स ऑन हो गई है और देखिए ऊपर चंदा मामा भी दिख रहे हैं और गणपति विसर्जन अभी भी हो रहा है। हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन अधीश्वर तू परमेश्वर तू ईश्वर, हे गजानन हे गजानन हे गजानन। सो गाइस फाइनली गणपति बापा का विसर्जन यहाँ पे हो गया है, सारे गणपति बापा विसर्जन हो गए हैं और सब लोग यहाँ से चले भी गए हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे क्राउड नहीं है, थोड़े बहुत ही लोग हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम भी जा रहे हैं घर पे, तो चले चलते हैं घर पे और आप लोगों को मिलती हूँ घर जाने के बाद, बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे अंधेरा हो गया है। देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वहाँ दूर सब पब्लिक है अभी भी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर पे। Hey guys, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे गणपति बापा का विसर्जन करके।
तो देखिए रात के 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। हेमल चले गए हैं अपने इवेंट में, वहाँ पे लड़के को रख के आए थे तो हेमल वापस से वहाँ पे गए हैं। वैसे वहाँ भी फंक्शन तो खत्म हो गया होगा, बट उसका जो भी कुछ काम है वो सब फिनिश करने वो भी चले गए हैं। और अमन गया नानी माँ के घर पे, तो मैं वापस से घर पे आ गई हूँ। और गणपति बापा का विसर्जन करके अच्छा तो नहीं लगता है, बिकॉज बापा इतने दिन हमारे साथ रहे होते हैं तो विसर्जन करने का मन ही नहीं होता है। बट कहते हैं कि एक परंपरा है, अगर गणपति बापा को घर पे लेके आए हैं तो उसका 3 दिन पे, 5 दिन पे या 7 दिन पे या 11 दिन पे या 21 दिन पे विसर्जन करना ही चाहिए हम लोगों को। तो हमारे पोरबंदर में ज्यादातर 5 दिन वाले बहुत ज्यादा होते हैं कि 5 दिन में विसर्जन करते हैं। बतना 7 दिन को भी बहुत सारे विसर्जन होने वाले हैं, तो तब भी वापस से जाएंगे विसर्जन करने के लिए। तो अगले व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस आज विसर्जन में गई थी ना, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी मिल रहे थे, बड़े भी जानते हैं। तो सबको दिल से थैंक यू, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स एंड मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको दिल से थैंक यू कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरे वीडियोस आप लोगों को इतने अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिलहाल अब घर पे आ गई हूँ और इतने अच्छे अच्छे गणपति बाबा के दर्शन थे ना कि क्या ही बात बताऊं। तो चलिए अब घर पे आ गए हैं, अब आज का व्लॉग यही पेन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहती थी कि जिन जिन लोगों ने ना मुझे कमेंट की थी कि मैं दर्शन करने आना, तो बहुत सारे लोगों की आज कमेंट आई थी, आप वहाँ हमारे वहाँ पे दर्शन करने नहीं आए थे या हमारी स्ट्रीट में दर्शन करने नहीं आए थे, तो उन सबको दिल से सॉरी, बिकॉज मुझे नहीं पता होता है कि वहाँ पे गणपति बापा थे। अगर आप लोग कमेंट करते मुझे पहले तो मैं जरूर से गणपति बापा के दर्शन करने आती, बिकॉज बाहर सब जगहों पे 5 दिन का ही विसर्जन था, तो सब जगह पे आज गणपति बापा का विसर्जन हो गए। बहुत सारों की तो सुबह मुझे कमेंट आई थी कि आप गणपति बापा के दर्शन करना है, बट सवेरे के टाइम पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, तो सबको दिल से सॉरी। अगर आप लोगों ने पहले मुझे कमेंट की होती तो मैं जरूर से गणपति बापा के दर्शन करने आती। तो चलिए फिलहाल व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। देखो ये दोनों फंस गए।